अक्षय कुमार और कियारा की मोस्ट अवेटेड फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग जमकर अक्षय कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ ऐसा है जो लोगों को नाराज कर गया, जिसके बाद दर्शक अक्षय कुमार और मेकर्स को ट्रोल करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रेलर देखने के बाद लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से निकला कि वो अक्षय कुमार को डरपोक तक बताने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दर्शक, निर्माताओं और अक्षय कुमार को आखिर ट्रोल क्यों कर रहे हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप फैंस के कुछ कमेंट्स देखिए, जिसमें अक्षय और इस फिल्म के मेकर्स को ट्रोल किया जा रहा है। बाबा, लाइक डिसलाइक ऑप्शन ही ऑफ कर दिया, फट्टू। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बॉलीवुड में खौफ इतना है कि अक्षय कुमार जैसा सुपरस्टार भी ट्रेलर के लाइक और डिसलाइक हाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, लक्ष्मी बॉम्ब ट्रेलर इज रिलीज्ड बट द हिडन लाइक एंड डिसलाइक नंबर्स। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार डरपोक हैं, जिन्होंने डिसलाइक के डर से ऑप्शन ही बंद कर दिया। अब चलिए बताते हैं आपको कि लक्ष्मी बॉम्ब के मेकर्स ने ऐसा क्यों किया। बात कुछ ऐसी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बैकफुट पर आई फिल्म इंडस्ट्री लगातार लोगों के निशाने पर है, और यही वजह है कि जैसे ही किसी नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है तो इसे दर्शकों से लाइक से ज़्यादा डिसलाइक्स मिलते दिखते हैं। ऐसा ही कुछ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ रॉय कपूर की फिल्म सड़क 2 का भी हाल हुआ था, जिसके बाद लोगों ने इस फिल्म को बहुत नेगेटिव रिव्यू भी दिए थे। ऐसे में इस तरह की स्थिति से बचते हुए मेकर्स ने यूट्यूब में लाइक डिसलाइक ऑप्शन को ही प्राइवेट कर दिया, जिससे लोग इस ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स को नहीं देख पा रहे हैं। और यही वजह है कि लोग मेकर्स और खासकर एक्टर अक्षय कुमार को डरपोक तक बताने में लगे हुए हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।